भारतीय सेना के जवानों को मिलेगी अब नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। जानिए इसकी खासियत। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी फौजी भाइयों के लिए। तो सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना पहली बार अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आई। राजधानी दिल्ली के कैंट स्थित परेड ग्राउंड में सालाना परेड के दौरान पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो इस नई यूनिफॉर्म को पहनकर मार्च पास्ट करते नजर आए। यह पहला मौका है जब सार्वजनिक तौर पर भारतीय सेना ने अपनी नई वर्दी का अनावरण किया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो छाया हुआ है। इंडियन आर्मी को यह नई ड्रेस इसी साल अगस्त तक पेश किए जाने की संभावना है। इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म की विशेषता की बात करें तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने 15 पैटर्न, 4 फैब्रिक और 8 डिजाइन के विकल्पों के जरिए बनाया है। अधिकारियों के मुताबिक यह यूनिफॉर्म सैनिकों को एकता तो प्रदान करेगी ही साथ ही साथ आराम भी देगी। यूनिफॉर्म को सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसका जो वीडियो है वो भी आपको वीडियो में आगे दिखाया जाएगा कि नई यूनिफॉर्म कैसी होने वाली है। काफ़ी बेहतर है, यह ऐसा बेहतर है एकदम नजर में और उन्हें मदद मिली। सही अन्य कई देशों की आर्मी पैटर्न पूरी करती आई है। इंडियन आर्मी ड्रेस में सैनिकों को शर्ट पैंट के अंदर इन करना पड़ता है और बेल्ट बाहर से लगाया जाता है, लेकिन नई ड्रेस में जो खासियत वो है वो ये है कि नई यूनिफॉर्म में बेल्ट अंदर और शर्ट बाहर रहेगी। आर्मी अधिकारियों का कहना है कि इससे सैनिकों को काम करने में आसानी होगी। इसके अलावा इसके कपड़े में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अभी तक 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 1 आर्टिलरी ब्रिगेड और दिल्ली की एक सैन्य पुलिस इकाई के लगभग 150 जवानों को कॉम्बैट यूनिफॉर्म के 15 सेट दिए जा चुके हैं। सेना दिवस के मौके पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड की सलामी ली और जवानों को यूनिट प्रशस्ति पत्र